राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे। तो आज डेयरी में भी प्रेम भैया है छुट्टी पे, और ऊपर जो मेरी हेल्पिंग हैं तारा रानी, वो भी है छुट्टी पे। तो दोनों लोग छुट्टी पे हैं, काम बहुत ज़्यादा है। तो पहले डेयरी का काम किया, दाने तो डेयरी में थे, फिर मेरे को सारा मिल्किंग डिस्ट्रीब्यूशन करना था, वो सारा पूरा ऑर्गेनाइज करना था। बाहर जाने वाली जो बॉटल्स हैं वो भी फिल करनी थी, और जो कस्टमर्स घर पे आ रहे थे उनको भी दूध बांटना था। तो इस चक्कर में आज मेरी सासू माँ की चाय हो चुकी है लेट, क्योंकि मैं भी देरी में ही हूँ और दानी भी। तो फिर कौन बनाएगा चाय? तो माता जी बोल रहे हैं चाह ना बनाम रे, चाह ना बनाम रे। तो अब ऊपर जाती हूँ और फिर मैं बना लेती हूँ एक अदरक वाली चाय। ऊपर आई, नहाया, जस्ट अभी बज गए हैं कुछ 10:15, कुछ काम नहीं हुआ है आज ना। मैं मंदिर गई, बस घर की पूजा करी। तो फिर अब बनाती हूँ एक छोटी सी चाय अदरक वाली, फिर फटाफट सासू माँ का नाश्ता बना दूंगी, उसके बाद मंदिर जाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और उनको भूख लग जाएगी। और कल था सोमवार और मेरा व्रत था, तो फिर मैंने आज बनाई थी ये पूरी। आज मैंने पूरी स्पेशली बनाई थी इज्जा के लिए। इज्जा के लिए मैंने इसलिए स्पेशली बनाई क्योंकि ये आटा मैंने दूध से गूंधा, क्योंकि इज्जा खाती है चोखी पूड़ियाँ। इज्जा दूसरे के हाथ की ऐसे पूड़ी और चावल वाली चीज़ें नहीं खाती है, पानी में लगी हुई। फिर आलू और टमाटर की मैंने लटपट सब्जी बनाई, पूरी बनाई, और चावल की, चावल मोटे वाले चावल लेके आई थी, और कल चावल को खजिया वाले चावल जो होते हैं ना उसकी खीर बनाई थी। रियली बहुत टेस्टी हो रही थी, चावल की जो खजिया वाली खीर थी बहुत टेस्टी हो रही थी, और पूरी भी बहुत टेस्टी हो रही थी क्योंकि वो तो मैंने दूध से गूंधा था। दानी बोल रहे थे भाई आज की पूरी तो इतनी अच्छी हो रही है कि कम से कम 20-25 खा जाओ। मैंने कहा भैया कंट्रोल कंट्रोल, अपन से इतना बन नहीं पाएगा। तो ये तो थी कल की कहानी, और फिर आप लोग आ जाइए मेरे साथ आज की कहानी में। आज की कहानी में ऐसा है कि आज पानी बरसा नहीं, बादल तो थे और हमने सोचा बारिश हो जाएगी, इसलिए हमने अपने पौधों में पानी नहीं डाला, और धूप निकल गई थी बहुत तेज, तिल मिलाती हुई धूप आ गई थी, जिससे सारे पौधे बेचारे गर्दन लटका करके बैठ गए थे। और अगर पौधों ने गर्दन लटका लिए तो उसका सारा क्या बोलते हैं ठीकरा फूटता है मेरे सिर पे। फिर दानी बोलते हैं तुमने पौधों पे पानी नहीं डाला, वो गमला मुझसे ये शिकायत कर रहा है, वो पौधा मुझसे ये शिकायत कर रहा है। तो दानी, इसलिए दानी है नाराज, दानी का मुंह फूला हुआ है, क्योंकि दानी के अगर पेड़ पौधों को कुछ होता है तो दानी को गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए दानी डाल रहे हैं पानी और मैं बांट रही हूँ शाम का दूध। और यहाँ पर आंटी, मेरी सासू माँ, इज्जा तीनों बैठे हुए हैं, और साथ साथ मैंने इन लोगों के लिए चाय भी बना दी है पीने के लिए, क्योंकि बस ये घूमने जाने वाले हैं। तो मैं आंटी को बोल रही हूँ कि घूमने क्यों नहीं जा रहे हो? आंटी बोल रही है कि तेरी सास तैयार नहीं हो रही, और मेरी सास ये है कि हुक्का एक बार पी करके ही जाएंगे। मैंने बोला जाओ, तो मेरी सास भी बोल रही है क्यों, तुम्हार दुनिया का जोड़ है क्या ना जाम रहे, यानी कि आंटी और इज्जा का। वो बोल रहे हैं नहीं हम तुमको लेकर के भी जाएंगे। तो मेरी सासू माँ इतरा रही है कि मेरे बिना भी इन लोग नहीं जा रहे, इनका कोई काम नहीं हो रहा है। देख रहे हो शक्ल से ही, मतलब लग रहा है कि वो उनको चिढ़ा रही हो। तो ये है कहानी, और मैं बांट रही हूँ दूध, सिर्फ मैं एक घंटा दूध बांटूंगी, कुछ 5:15 बजे से 6:30-6:30 बजे तक, और उसके बाद जाऊंगी मैं वॉक, क्योंकि वॉक जाना भी जरूरी है भैया। शरीर दाएं बाएं अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहा है, तो इसलिए भाई। और ये देखिए तानी पेड़ों की प्रूनिंग भी कर रहे हैं, प्रूनिंग का मतलब यानी कि छटाई वटाई भी कर रहे हैं, थोड़ी सी कटिंग छटिंग भी कर रहे हैं। हालांकि मैंने बोला शाम है, शाम के वक्त कटिंग वटिंग ज्यादा मत किया करो, और मैं भी वॉक जा रही हूँ, फिर सीढ़ी वगैरह पकड़ना पड़ता है। तो डेयरी का काम निपटाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, अभी दानी नीचे ही कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि एक आध कस्टमर रह गए होंगे। तो मैंने आने के बाद हाथ पांव धोए, और उसके बाद छोटा सा कद्दू लगा हुआ था उसको काटा, और कद्दू की सब्जी बनाने की तैयारी करने लग गई थी मैं। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, और उसके बाद फिर मैं दिया जलाने के लिए मंदिर में चली गई, क्योंकि शाम की जो पूजा है दानी ही करेंगे, तुलसी में दिया दानी जलाएंगे, दहली पे दिया दानी जलाएंगे। तो मैं सिर्फ खाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी की तैयारी कर ली, और आटा भी मैंने मंडवे वाला मिक्स करके गूंद लिया, साथ साथ में मट्ठा भी बन ही रहा है मेरा, क्योंकि मट्ठा खत्म हो चुका था।
और बिना मट्ठे के तो खाना अच्छा भी नहीं लगता है, और हरा नमक भी मैंने सिलबट्टे में पेस्ट लिया है। तो आज हम खाएंगे कद्दू की सब्जी, रोटी और मट्ठा विद हरा नमक, क्योंकि मट्ठा अगर सब्जी के साथ होता है, यानी कि रात के खाने के साथ होता, तो ऐसे लगता है आहा, बिल्कुल तर गए, इतना स्वाद लगता है मुझे खाना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारे पूरे पूरे 56 भोग हो गए अगर मट्ठा साथ में होता। अगर मट्ठा नहीं होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, टेस्टी मतलब नहीं लग, खाना तो पड़ता है। तो सबका खाना पीना हो चुका और यहाँ पे आ गई है मेरी बारी, हरी चटनी भी है, तो मैं खाना खाती हूँ, मिलती हूँ आपसे जल्दी, बाय बाय, सी यू।